हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं सूरज मेरा एस के ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज हो गई है 23 अक्टूबर 2020। तो आज नवरात्र का 8वां दिन भी है। तो आज मेरे भाई लोग भी घर आ रहे हैं और परसों से हमारी पूजा का प्रोग्राम भी है, गढ़वाली पूजा। गढ़वाली में चमोली जिले से हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गढ़वाल में पूजा किस तरीके से होती है, क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, कैसे देवता नाचते हैं, क्या होता है, क्या सामग्री लगती है, तो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे भाई लोग भी आ चुके हैं। तो वो अभी कहीं प्यार में पहुंच चुके हैं। तो वो 12:30 अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो वो 12:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएँगे। तो मैं आपको उनसे मिलाऊँगा। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, मिलते हैं आगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हुआ था कि हम गांव जा रहे हैं। तो हम अभी घर से निकल चुके हैं, गुप्ता से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम अभी। तो अब हमारे दीपक भाई जो हैं, ये हमारे साथ जाएंगे यहाँ से घर घाट। तो हम अपनी धनों में, हम हमारी बसंती में जा रहे हैं, ये दिख सकते हमारी बसंती। तो यह है दीपक, तो ये भी हमारे साथ आएंगे। हम मेरे को ये आए जोशीमठ से, तो ये मुझे चमोली में मिले। तो हम अब आगे यहाँ से जाएंगे। तो अब चलते हैं, आपको आगे के शॉट भी दिखाएंगे। मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ आपका नज़ारा।
गाइस अभी हम हैं अपने गांव में, और मेरा जो होम टाउन है, तो ये मेरा छोटा भाई जिसका नाम विजय है, और वो मेरी दीदी का नाम सीमा है, वो पीछे देख रही है, यस ये इसका नाम राजू, तो मेरी भतीजी है। तो अभी हम गांव में हैं, और अभी सुबह के 9:30 हो रहा है टाइम। तो आज से हमारे घर में पूजा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ कि यहाँ का नज़ारा क्या है। आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी है, इसका नाम रीना है, ये मेरे भाभी, ये देख सकते हैं आप। भाभी भाभी आपको कैसा लग रहा है फिर आज से हमारे घर में पूजा है? अच्छा लग रहा है। तो आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? ये देख रही है, ये ऐसे देख रही है जैसे कि बहुत स्मार्ट होगी। अरे भाभी जी ऐसे शर्माते नहीं है, बोलो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है गाँव में? बहुत सुंदर। और ये हमारी बहन भी कुछ कहना चाहती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप बोलिए। मैं 4 साल बाद गांव आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया, अपनी जन्नत में आ गया, मतलब बहुत बहुत प्यारा लग रहा है गांव। जन्नत फील हो रहा है इनको गांव में, अपने होम टाउन में। तो अब हमारी सासू जी से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। ये हमारी सासू जी हैं, तो सासू जी बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये हमारी भाभी की मम्मी है, तो आपको हमारे गाँव में कैसा लग रहा है आके? ठीक लग रहा है। उदास मतलब होता है जब वो गांव में दूसरी जगह जाके अजीब सा लगता है वो। तो ये हमारे सास जी, हमने बात की है और अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना घर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आइए। ठीक है, यह है मेरी माँ। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है आज कि हमारी पूजा होने वाली है? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे अच्छा लग रहा है। ये मेरे ताऊ जी हैं। ताऊ जी इधर देखो, इधर। तो ताऊ जी कैसा लग रहा है आपको? मैं भी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मेरे ताऊ जी थोड़ा शर्मा दे टाइप के हैं, तो वो शर्मा रहे हैं अभी, तो पता नहीं क्या हो गया। यूट्यूब पे ये मेरे मामा जी हैं, ताऊ थोड़ा शर्माते हैं इसलिए। ये मेरे मामा जी, मामा जी कैसा लग रहा है आपको? मैं अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको अपने मकान दिखाऊंगा और अपने दो भतीजे जो काम पे लगे हुए हैं, ये है सुभाष, ये है नीरज, वो उधर रहा जो पेंट कर रहा है। तो ये हमारी मकान पे पेंट चल रहा है, तो मैं आपको अपने मकान पे दिखा देता हूँ, पूरा उधर से लेकर इधर तक का घर दिखा देता हूँ अपना। थोड़ा मैं पुरस्कार था, मैंने कहा एक सूट ब्लॉग ही बना लूँ, तो दिखाते हैं आप। ये हमारा घर का मकान, अभी यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। ये देखिए, ये हमारा गांव नीचे, यहाँ से गांव दिख रहा है। यहाँ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत आ रहा है अभी। ये मेरे बड़े भाई है, तो अब इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। ये भाभी जी है, तो भाई साहब बताइए आपको कैसा लग रहा है कि हमारी पूजा हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम अपनी श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं घर में, काफी टाइम बाद हम गांव में आ रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप इतने साल बाद हमारे गांव में आए? आपको देख के कैसा, भाई लोगों को मिल के कैसा लगा, ताऊ जी को मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो उनको थोड़ा शर्माते है ना इधर के लोग, भाई लोग तो थोड़ा दो मिलते हैं आप। ठीक है, ये हमारा आस भाई, ये मेरा भतीजा है छोटा वाला, तो ये बहुत तेज है, तो ये क्या बोलेगा, क्या बोलना चाहते हैं? कैसा लग रहा है तुझे यहाँ? तो आप पहली बार आ रहे हो, कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है? ठीक है, तब अब मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं अपने ताई से मिलाना चाहता हूँ आपको, मेरे ताई जी हैं।
छोटी हाइट की थोड़ा छोटी है, तो ताई जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आज, कि क्या क्या होगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए, अच्छा लगा, मिले चले, बहुत खुशी हो रही है। आज बेटी आएंगे, दीदी लोग आएंगे, सब आएंगे, तो आप उनसे भी मिलेंगे हम, तो ओके हेलो हाय कर दो, हेलो हाय, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, बस लाइक सब्सक्राइब भी कर, लाइक सब्सक्राइब कर। बड़ी भाई बीच भाई ताई के पास भी जा रहा हूँ, तो अंदर है, तो ये है मेरी बड़ी भाई ताई। तो ताई जी आप क्या बोल रहे थे, कैसा लग रहा है आपको? आए क्या, कैसा लग रहा है आपको हम सब घर आए? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये बोल रहे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि गड़बड़ा रही है बोल रहे हैं थोड़ा। तो ये मेरी बीच भाई ताई है, तो इनके लड़के भी सब आएंगे, इनको भी बहुत, ये थोड़ा हमारे देखो अंदर किचन ऐसा होता है गाँव में किचन, तो ठीक है तब मिलते हैं, बाय हाय बाय के दिन बाय। हम जा रहे हैं बिस्तरा लेने के लिए, इससे ऊपर वाले मामा का नाम है मल्ला बारू, तो वहाँ टेंट वाला भंडारी जी है वहाँ, तो उनके पास टेंट का सामान रहता है, तो हम वो लेने जा रहे हैं अभी। तो चलो अभी रास्ते में है, और तो आई है बहुत भयंकर, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, चल फट भी है, रस्सी भी ले जा रही है, तो अब चढ़ाई चली जा रही है, तो कल मिलेंगे अब बाद में, तो अभी थोड़ा चढ़ाई चल रहे हैं हम, तो ये देख सकते हैं कैसे कैसे चढ़ाई है यहाँ, ये इस चढ़ाई में तो बस गद्दे, और एक ये इधर ये है मेरे दाएं गद्दे, इनका तो, इनका चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और इधर ये देख सकते हैं ये गांव, बहुत प्यारा नजारा है इधर का। वेटो मैं डरी जा, तेरा मेरा ये रिश्ता, गल गल ते लड़ दे उंज प्यार भी बथेरा, खिट मिट रही चल।